दोस्तों ही मैं बैठ करके आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रहा था, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि भाई आप ये बताओ कि अगर हमको एसी टेक्नीशियन का काम करना हो सऊदी अरबिया में तो हम कैसे कर सकते हैं। कई सारे लोग कह रहे थे कि मैंने एसी टेक्नीशियन का काम सीखा हुआ है, कई सारे लोगों ने कह रहा था कि मैंने आईटीआई से कोर्स किया है, ठीक है। तो ये सारे लोगों के कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाए थे, सेपरेट वीडियो, ठीक है, जिसमें मैं आपको सैलरी बता दूंगा कितने तक आप एक स्टार्टिंग में अर्न कर सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो, आपने अभी कहीं काम नहीं किया, डायरेक्ट अभी कोर्स किया आपने, या फिर आपने अभी काम सीखा हुआ है, या फिर आपको 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आप कितने रुपए तक मंथली अर्न कर सकते हो एज ए एसी टेक्नीशियन, ठीक है। इसी के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, 2-2.5 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट देखो उसी से, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेंगी अगर आपको एसी टेक्नीशियन का काम करना है तो, ठीक है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका मेडिकल, ठीक है। आप अपने मेडिकल पे ध्यान दो, आपके शरीर में किसी प्रकार की कमी है, किसी बीमारी से आप पीड़ित हो तो डॉक्टर से मेडिसिन लेकर के उसका इलाज करवा लो, क्योंकि अगर आपका मेडिकल ख़राब रहेगा तो आपको वीज़ा, आप काम नहीं कर पाओगे, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगे, सारा काम सीखना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, शरीर में कोई भी कमी हो डॉक्टर से ले लो मेडिसिन। सेकेंड चीज, आप अगर एसी टेक्नीशियन का काम कर रहे हो या फिर आप कहीं से भी कोर्स कर रहे हो तो आप एक काम करो कि आप उसका एक्सपीरियंस ले लो, जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहेगी उतनी अच्छी सैलरी मिलती है सऊदी अरब में। आई मैं बताऊँगा कितने तक सैलरी मिलती है आपको स्टार्टिंग तौर पे, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस जरूर ले लो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ये 2 ही महीने का ले लो लेकिन जरूर ले लो, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है। थर्ड चीज़ हो जाती है आपके ऊपर किसी टाइप का केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे लोगों का वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी ध्यान देनी, ये 3 चीज़ें अगर आपकी ठीक हैं, बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे मैनेज हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सैलरी के बारे में। अगर हम एसी टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें तो लगभग स्टार्टिंग में आप लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो स्टार्टिंग तौर पे, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, जैसे जैसे आप काम अच्छे तरीके से सीखते जाते हो, इसमें लोग लाखों रुपये तक भी मंथली अर्न कर रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे चैनल को चेकआउट करो, आपको ऐसे ही कई सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो। बाय बाय।